नमस्कार, आप देख रहे हैं LNI न्यूज और मैं हूं आपके साथ मीनू चौधरी। लोकल न्यूज ऑफ इंडिया द्वारा असारा के राशन डीलर के राशन वितरण में अनियमितताओं की खबर को प्रमुखता से छापे जाने के बाद आज खाद्य विभाग की टीम पहुंची असारा। बार बार नौबत नहीं आने की झेलने की परेशानी, आपको परेशानी झेल लो आज, बस आज परेशानी झेल लीजिए। आपको बता दें कि असारा गांव में पिछले कुछ दिनों से राशन डीलर द्वारा राशन वितरण में अनियमितताओं को लेकर ग्रामीण काफी परेशान चल रहे थे, जिसकी शिकायत ग्रामीणों ने उप जिलाधिकारी बड़ोक से की, जिसके बाद राशन उपभोक्ताओं की शिकायत को संज्ञान में लेकर आज खाद्य विभाग की टीम असारा पहुंची, जहां ग्रामीणों से पूछताछ के बाद कोटेदारों की जाँच की गई तो जाँच में कुछ अनियमितताएँ पाई गई। सैकड़ों ग्रामीणों की शिकायत पर सप्लाई इंस्पेक्टर राहुल पटेल ने कोटेदारों की जांच रिपोर्ट अधिकारियों को अवगत कराकर कार्यवाही करने की बात कही। नाम क्या है आपका? मोहम्मद इस्माइल। इस्माइल जी, क्या समस्या है आप लोगों? समस्या ये है सर कि 5-25 किलो में तो 20 किलो देते हैं, और 20 किलो में भी फिर बच्चों को चर चर 5-5 दिन परेशान करते हैं, आज आइयो कल आइयो परसों आइयो, और फिर आने के बाद में उन्हें ये कहते खत्म हो गया, भाई नहीं फील्ड में लगा, ये प्रॉब्लम है सर। हमें कोटा नहीं मिलता, पूरा नहीं मिल पाता, और काब की बार बिल्कुल ही नहीं मिल पाया। LNI